लगभग हर कोना में चलेला। मुसलमान लोग तो छठ करेला, लेकिन एगो मुखिया मुसलमान छठ करता, ई सबसे बड़ा चीज बटुए, का कारण बटुए? हम 2016 में चुनाव लड़े हुए थे यहाँ पर, भोजपुरी में बोली 2016 में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा, तो हमने के अपने ही गांव के दो समुदाय के व्यक्ति रहे जाए गुंजाइश, झूठ सही हम लोग भी देखते हैं, हमारे डिपार्टमेंट में भी कभी भी झूठ बोल के कोई छठ में घर नहीं जाता है। अगर झूठ बोल के घर में जाना चाहेगा तो हम लोग नारियल रखते हैं कि इसको फोड़ो, तो अपने भाग जाता है। हाँ, झूठ नहीं बोलना। अच्छा, तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि एक सच्चे चीज़ का सच्चा ये करके ये अनुष्ठान। भोजपुरी समाचार में राउत स्वागत पटुए। आज बिहार के सबसे बड़ पर्व जरा के महापर्व कहल जाला, हर पर्व के पर्व कहल जाला, लेकिन एकरा के महापर्व कहल जाला, छठ महापर्व। आज कंझरुआ पंचायत के एगो मुखिया अनूठा मिसाल पेश कैले बाड़न। जहाँ देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पर एक दूसरा के मारे मरावे पर उतारू लोग बाने, वही जे हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के पेश करत कंझरुआ पंचायत के मुखिया, छठ घाट अपना कपार पे दौरा उठा के जाता रहन। एक साल ना, एकरा पिछला साल भी ऐसा कारनामा कैले बाड़न। का एकर रीजन बटुए, का एकर कारण बटुए, कतना आस्था बा? आ सबसे बड़ा सवाल देखी, बिहार के इतिहास में अभी तक शायद ही पहला बार भइल हुई, यही क्षेत्र के थानेदार के द्वारा उ दौरा के उठावल गई हटुए। उ रौरा के विजुअल में देखे के मिली, जब खबर देखब तो अपने आप उ खबर स्क्रीन पर चलत रही। अब रौरा सभे बातचीत करी, वो मुखिया जी सभी तो थानेदार साहेब ही जबानी, जे कि नाम के मोहताज नहीं खे, थानेदार जुनैद आलम। यह जिला में नाम के मोहताज यहाँ के नहीं खी, लेकिन पहले मुखिया जी से बातचीत शुरू कर जाओ। मुखिया जी, भोजपुरिया समाचार में रहूँ, स्वागत बा। सबसे पहले हम भोजपुरिया समाज के स्वागत करते हैं कि रौरा सब चल के जब तक कहीं नहीं जाए। मुखिया जी, बहुत बड़ा काम रौरा कर रहा बा। देखी, सबसे बड़ा सवाल बा कि हमनी के कई गो खबर कवरेज कर नहीं जाए। बता दो दर्शक लोग के, भोजपुरिया समाचार हमारे चैनल बिहार के हर जिला में चलेला। रौरा के बता दिया कि अरवल में हमारे रिपोर्टर बने, जहानाबाद में मंटू कुमार रिपोर्टर बने, रोहतास में राजू रंजन दुबे बने, आरा में मोहित वशिष्ठ जी बने। बिहार के लगभग हर कोना में चलेला। मुसलमान लोग तो छठ करेला, लेकिन एगो मुखिया मुसलमान छठ करता, ये सबसे बड़ा चीज बटुए, का कारण बटुए? हम 2016 में चुनाव लड़े हुए थे यहाँ पर, भोजपुरी में बोली। 2016 में हम चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। तो हमने के अपने ही गांव के दो समुदाय के व्यक्ति रहे जा, एगो शिव जी साहू रहने प्रत्याशी, एगो हम रहने। अच्छा। हमने के चुनाव नजदीक हो गए तो एजा हिंदू मुस्लिम के नारा लागल कि जे हिंदू हो मुसलमान के वोट ना दी, जे मुसलमान के वोट दी वो मुसलमान हो तबे दे। कहे ऐसा हो गए कुछ ऐसा बदरेसन वो प्रत्याशी के घर के सदस्य लोग उठौलन। अच्छा। जेना के भी लोग ना मानलन, फिर भी हम सेकंड स्थान पर रहनी, हम 55 वोट से हार गए। अच्छा। ठीक ना, पिछला चुनाव में, पिछला चुनाव 2016 में, 2016 में। एक बाद हम माई के अपना मन में थी कहने की, हे कौन माई के? छठ माई के। अच्छा। कि हे माता जी, हमरा के अगर जीता दे अगला बार तो हम जब तक मुखिया रह तब तक हम छठ करब। तो जीत गए नी? जी जीत गए, छठ चालू हो गए। चालू हो गए तो छठ में। अच्छा, सुने में आवेला कि रूरा हर व्रत करीला, हिंदू धर्म के जितना व्रत? हाँ, फगुआ होला, रक्षाबंधन, सब कुछ होला। हमने के घर पड़ले बने जाए पंचायत में, एक गांव में एक घर पड़ले ही बने जाए। अच्छा, ई पंचायत कौन बहुल पंचायत है? तू माने सबसे अधिक संख्या कौन कास्ट? ब्राह्मण कास्ट के बा। आई आरक्षित सीट है? अंश ए थी, अति पिछड़ा, अति पिछड़ा जी। आई घर होके जीत गई जी? कुछ अजूबा कैले बनी? हाँ, हम हमेशा जब से हमारा होश भइल तब से हम राजनीति में रही ना। सबसे बड़ा चीज बाकी आज रोरा के बधाई देवे खातिर ए थाना परिसर के थानेदार जुनैद आलम भी आइल बनी जी, वहाँ के भी लाख लाख बधाई बाटे। अच्छा, एगो चीज और बताइए, इतना बड़ छठ व्रत करता नहीं, एकरा पहले जौन बटुए जौन पुलिसकर्मी रोरा के लखदत रहे, आज वो पुलिसकर्मी रोरा दुआर पर बधाई देवे आइल बटुए, का कहो? अच्छा कहल जी, हमरा बदलाव के देख के, बदलाव के इंसान तो हम उहे बानी जी, काल जोन रहनी आज नहीं खे जी, पूरी तरह से परिवर्तन कर लेले बानी जी जी। अच्छा, एक चीज बताई कि एकरा में भूखे प्यासे रहे के बटो, कैसे बिना पानी के रह जाता नहीं? महसूस है ना, हमनी के आदत बा पहले से रोजा रहे के। अच्छा, ठीक ना,
हमने के तो रोजा में ना पानी पी जाला ना सांझ के खाए के पड़ेला ना। हां तो सांझ के खाए जाला तो 24 घंटा किया हां तो ये जो सांझ के खाइल जाता कालो खाइल गइल परसों खाइल गइल तो आज पूरा तो गायब रही। आज गायब रही सवेरे तक जी बर्दाश्त हो जाई। हां हां बर्दाश्त हो जे तने क्यों फील उल नहीं के उतर ना ना हमरा तन को फील नहीं के ना जी ना। ई बताई कि ई काम रोरा अनूठा तरीका से कर रहल बानी तो बड़ा लोग हंसतो होई है कतना लोग हंसे दे हंसे के त लोग रिश्तेदार गांव घर बहुत लोग हंसेला हमरा अपना करे के वजह से करे के ससुरारी के लोग हंसते होई है बहुत न पता लोग ना है जहां कंसार जगह बा ना जहां पर हम लोग का माने ज्यादा थे है वहां थोड़ा दिक्कत होता है बाकी तो देहात में सब लोग करता है मिलजुल कर होली दीपावली सब कुछ माने और ससुराल के लोग ये कहत है कि कौन काम उठा लेलो। हां मैं करिया लेकिन छोट घाट पे मौजी कहत रहे लोग जी मैं करिया बाकी छोट घाट पे मौजी तो लेकिन कुल विधाता बतावत छठिए माई के कृपा भल के मुखिया बन गई जी जी का जी ये कृपा एगो गाना आइल बा सुनी हा लगले बक्सर जिला के लईकी हिया शिवानी की ओकर नाम हो वो गाना सुनब रउरा तो उ गइले बिया कि हे छठी माई सोइया के डीएम बना दी तो रउरा छठी माई से कहनी कि हमरा के मुखिया बना दी पावर बानु जी जी पावर बा तब न पूरा कइले हम क्या करते नहीं कर तोर हो दिहिल रउरा जी और के दिवावेला उ नहीं कहते एगो मैया बाड़ी साथे यहां सब रहिन। अच्छा एजे से हम परगो कइले रहा सब करे एजे से दौरा उठेला रहे ऐसे के हम अपना घरे बरा देव हो हमार दर दयात बाड़न लो के घरे कुछ बनल खैलन लो तो माने शुद्धता के चलते हम एजे से करिले गीत के गावला दौरा घाटे चहु पाई सब गांव के इकट्ठे लोग चलेला ओही में गावत जाला ओही में गावत जाला जी अरु दौरा लेले दौरा लेके जाने की केहू लेके जाला हम ही लेके जाने अपने से जी। अच्छा एक एक चीज और बताई पवन सिंह के गौर गाना आइल रहे भूखल पियासल घटी आइल बानी हो करे बरत तोहार पानी में रुरा जब जात हो खब पानी में हम ना जाई ना औरक दी लनु जे औरक दे पानी में ना जाए ना बाहरी से। हां अंतिम सवाल रोरा से बटुए कि इतना अनूठा इतना रोचक चीज रोरा कर रहल बानी अभी पहला बार थानेदार रोरा सामने आइल बानी एकरा पहले भी बधाई कहीं से मिलल रहा। हां पर मिल रहा पर मिलल रहा जे सब पेपर न्यूज़ में आई रहा तो ई कब तक चली रहू जब तक माई रखियन 20 बरस तक 20 बरस चली। अच्छा एक मिनट हमनी के बातचीत कर जाओ जुनैद बाबू से। जुनैद बाबू रोटा इन पढ़ाई दे का को का सुन के नहीं हमरा बोल पता चला कि छट कर रहे हैं तो पहले से भी इनसे बातचीत थी और इस महान पर्व को अगर श्रद्धा से मना रहे हैं तो बहुत ही खुशी की बात है और समाज में एक अच्छा मैसेज जाता है सब चीज़ से। आस्था तो सबके लिए बराबर है आस्था हम हिंदू मुसलमान सभी लोग एक ईश्वर को मानते हैं और हर रास्ते में मंदिर मस्जिद जाते हैं तो उसमें कहीं से किसी को रोक ठोक करने की आवश्यकता नहीं तो ईश्वर की कृपा है ऊपर वाले की मेहरबानी है कि हमारे दिल में जो चीज़ है जो सच्चाई पर चलने वाला है और जो हमारे हिंदुस्तान में या हमारे घर समाज में चलता है कि छठ पर्व बहुत ही बड़ा महान पर्व है और इसको बहुत ही नेम टेम से माना जाता है इसमें किसी तरह का कोई गुंजाइश झूठ सही हम लोग भी देखते हैं हमारे डिपार्टमेंट में भी कभी भी झूठ बोल के कोई छठ में घर नहीं जाता है। अगर झूठ बोल के घर में जाना चाहेगा तो हम लोग नारियल रखते हैं कि इसको फोड़ो तो अपने भाग जाता है। हाँ झूठ नहीं बोलना। अच्छा तो ये चीज़ सबसे बड़ी बात है कि एक सच्चे चीज़ का सच्चा ये करके ये अनुष्ठान है और महान पर्व है मनाते हैं हमारी माँ बहन इतनी भूखे प्यासे रह के अपने सारी चीज़ों को छोड़ के हम लोग जो आदत बना हुआ होता है उस आदत को छोड़ना पड़ता है। अच्छा ये बताएं कि यह पूरे क्षेत्र के लोग का संदेश दे पूरे क्षेत्र के लोगों को शांति अमन का संदेश है और एक अनूठा चीज़ है कि हम मुसलमान भी हर पर्व त्यौहार हम दोनों भाई हिंदू मुसलमान मिल के मनाते हैं इससे बड़ा कोई मैसेज नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद। मिल लेनी है पर्व देख लेनी है ऐसा पर्व जो छठ महापर्व कहल जाला मुखिया जी मुस्लिम होके दौरा उठावे वाला मुस्लिम थानेदार ही
ये से बड़ा हिंदू मुस्लिम कौमी एकता के प्रतीक कहीं ना मिली। भोजपुरिया समाचार से चंद्रशेखर सिंह की रिपोर्ट।